नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिठाई। जैसे कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, दिवाली हमारी जो है पास आने वाली है, बाजार से अपना मिठाइयाँ लाते हैं, घर में गेस्ट आते हैं, तो बाजार से मिठाई लाने के बजाय क्यों ना हम इस दिवाली घर पर मिठाई बनाए। बहुत ही हेल्दी मिठाई बनेगी, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनेगी। तो आइए देखते हैं इसके कैसे। मिठाई बनाने के लिए हमेशा ये आधा कप मिल्क पाउडर, येलो कलर, ब्लू कलर, पिस्ता, आधा गिलास दूध, आधा कप पिसी हुई चीनी और दो कप कोकोनट। आइए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी मिठाई। आज हम मिठाई बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए हमें गैस की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ये बाउल लिया है और इस बाउल में डालेंगे हम दो कप डेसिकेटेड नारियल। ये नारियल पाउडर है, आराम से बाजार में मिल जाता है। अगर आपके को ये ना मिले तो आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से पीस लें, पाउडर फॉर्म में कर लें और फिर बना लें। ये दो कप डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम आधा कप मिल्क पाउडर, इसमें डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। ये घर में हमने मिक्सी की जार में डालकर पीस ली है, बाजार से आप पीसी पिसाई भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें। इसको गोल घुमाते हुए इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इस तरह एक गोल बना लेंगे। हमने डोसा बनाना है। आप हाथ से भी इसको मिला सकते हैं, स्पून से भी मिला सकते हैं। अब हम जो है हाथ से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इस तरह से जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसे बनाने के लिए हमने आधे ग्लास से भी कम दूध यूज किया। इसको हम हाफ डिवाइड कर लेंगे, दो पोर्शन में इक्वल डिवाइड करेंगे। ये बैटर हमने ले लिया है, इसमें हम डालेंगे लेमन येलो कलर। बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है ये त्रिशूल का। हमने येलो लेमन कलर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने इसमें येलो कलर जो है मिक्स कर दिया। अब हम दूसरा कलर मिक्स करेंगे, दूसरा बैटर लेंगे और इसमें ब्लू कलर ऐड करेंगे। ब्लू कलर हम डालेंगे इसमें, बड़ी आसानी से बाजार में जो है मिल जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको हाथ से मिक्स करें, ज़्यादा बेटर मिक्स होता है। अच्छे से हमने जो है ये ब्लू कलर मिक्स कर लिया है। एक कलर मिक्स करने के बाद जब हम दूसरे पे जाएंगे तो हम अच्छे से हाथ धोकर फिर जाएंगे, ताकि एक का कलर दूसरे में ना लगे। अब हम लेंगे फॉयल पेपर, इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा देसी घी। अपना ब्लू कलर का जो हमने बैटर बनाया है वो उसके ऊपर रख देंगे और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। बेलन लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से देसी घी लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया है। अब हम लेंगे दूसरा फॉइल पेपर, इसको साइड पे कर देंगे, इसको भी लगा लेंगे थोड़ा सा देसी घी। इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और येलो बैटर भी इसके ऊपर रख देंगे। इसको स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा हाथ के साथ और इसी तरह से बेलने के ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। ये हमने येलो कलर का भी जो बैटर बनाया था उसको भी बेल लिया। अब इसको साइड कर देंगे, ब्लू के ऊपर येलो को रखेंगे। हमने रख दिया, अब इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे, इस तरह से फॉइल पेपर से ले जाते हुए इसको रोल करेंगे। थोड़ा सा पिस्ता घेर लेंगे। फॉइल पेपर लगाकर
रोल बना। रेडी हो गया, इसको हम एक घंटे के लिए फ्रिज में, एक घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं। अब हम काटेंगे। कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये स्विस रोल, कोई कह सकता है हमने इसको घर पे बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बढ़िया, बिल्कुल बाजार जैसी मतलब मिठाई हमारी बनकर रेडी हुई है। हमने ना इसके लिए कोई गैस यूज़ करी है, ना हमने कोई खास कोई इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं, तो बहुत ही आसानी से हमने घर में अवेलेबल होने वाले इंग्रेडिएंट्स से इसको बनाया है। आपने देखा कितनी जल्दी बनाकर हमने इसको रेडी किया है। तो अब ये मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में सबको खिलाएं, अपने गेस्ट को खिलाएं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।